हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर वन हमें दे रखा है, इफ कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ 294, अगर 7 मीटर कपड़ा 294 रुपये का आता है तो बताओ 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट, हम 12.3 पूरी एक्सरसाइज को एक शॉर्टकट तरीके से करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि कभी कभी मल्टीप्लाई करना है, कभी डिवाइड करना समझ में नहीं आ पाता। तो मैं इसको बड़े ही सिंपल से वे में समझाऊंगा आपको। हमेशा आपको क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन होगी, जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है, कपड़े की लेंथ दे रखी है और कपड़े के प्राइस दे रखे हैं। तो इन दोनों को हमें टेबल में लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे क्लोथ इन मीटर, ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉस्ट इन रुपीज़। तो यहाँ मैंने टेबल बना ली। अब क्वेश्चन देखो, 7 मीटर कपड़ा कितने का है, 294 रुपीज़ का है। फिर आगे हमें क्या बोला गया है कि 5 मीटर कपड़ा बताओ कितने का होगा, 5 मीटर कॉस्ट पूछी है, ये निकालना है। इसे क्या मान लेंगे, एक्स, कि लेट कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज रुपीज़ एक्स, कि 5 मीटर कपड़े का कितना कॉस्ट होगी, एक्स रुपीज़ होगी। जैसा आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल एज इट इज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, 7294 इक्वल 5/x, क्योंकि इनका जो रेशो होगा वो सेम होगा, क्योंकि पर मीटर के हिसाब से कपड़े का चार्ज किया जाता है। दोनों में देखो सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा, दोनों में डिवाइड जा रहा है 7 का, तो 7 का डिवाइड देंगे, 7 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के 5 × 2 = 7, 5 × 20 = 21। तो यानी कि x कितना है हमारा, 210, यानी 5 मीटर कपड़े का खर्चा कितना होगा, 210 रुपये होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज रुपीज़ 210। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एकता ने 1500 रुपये कमाए 10 दिन के अंदर, तो बताओ 30 दिन में कितने कमाएगी। सेम टेबल बनानी है, डे दे रखा है, रुपीज़ दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डे, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। और यहाँ क्या क्या लिखोगे, अर्न इन रुपीज़, ठीक। उसने 10 दिन में कमाए कितने, 1500 रुपये। पूछा क्या है, 30 दिन में कितने कमाए, मान लो 100 रुपये कमाए, कि लेट एकता अर्न मनी इन 30 डे। 30 दिन में कितने रुपये कमाए उसने, 100 रुपीज़ कमाए, ठीक है। जैसा आपको नज़र आ रहा है एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेना है, 30 पाउंड में एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/150, 30 पाउंड में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 3 = 45, 1020 एक्स आ गया, ठीक है। कितना आया, 4500। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि एकता 30 दिनों में 4500 कमाएगी। एकता अर्न मनी इन 30 डे रुपीज़ 4500, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।